छूटेगी और आप पकड़ोगे, और जब बार बार पकड़ोगे छूटेगी गिरोगे तब गुरुदेव को दया आएगी। चलो ये मेरे साथ ही चलना चाहता है लेकिन बार बार गिरता है, इसकी उंगली मैं पकड़ लेता हूं। और जिस दिन आपके गुरुदेव आपकी उंगली पकड़ लेंगे तो गिरधर आपको न मिले ऐसा नहीं हो सकता। वो भी अपने भक्तों से मिलने के लिए आतुर है, ललायत है, वो भी ढूंढता है मेरे भक्त कहां है। अच्छा एक बात बताओ, यहां जितने भी ग्रह विराजमान हैं, कौन माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे पास आए? चाहते हो? आपका बेटा आपके पास आए चाहते हो कि नहीं बोलो? तो संसारी माता पिता चाहते हैं तो क्या मेरा कन्हैया नहीं चाहता होगा? असली पिता तो हमारा वही है ना, उसके लिए। मैं तो गिरधर के संग नाची, मैं तो गिरधर के संग नाची, मैं तो गिरधर के संग नाची, तो गिरधर के संग नाची। एक बात ध्यान रखना, सच्चा साथी भी वही है, सच्चा साथ वही निभाएगा। इस संसार में साथ कोई देगा तो कन्हैया, मेरी राधे, बाकी तो सब किनारे होने वाले हैं, सब छोड़ने वाले हैं, यही साथ जो हमेशा साथ देगा उसकी उंगली पकड़ो ना। क्या मीरा जी के परिवार में कोई नहीं था? क्या सूर जी के परिवार में कोई नहीं था? तो प्रश्न यह होता महाराज कि हम सब गृहस्थ छोड़ के सूरदास जी की तरह भजन करें, मीरा जी की तरह चले जाएं जंगल में, वृंदावन चले जाएं सब छोड़ के? आप कहीं मत जाओ, आप जहां बैठे हो ना अपने चित्त को वृंदावन बना लो, बस अपने चित्त को वृंदावन बनाओ। और जिस दिन अपने चित्त को वृंदावन बना दोगे तो आपका शरीर रोम रोम ब्रजमंडल बन जाएगा। देखो कृष्ण आपको इस समय भी कहते, और वो चित्त ही तो चुराता है, चित्त चोर ही तो है। तो जिस कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं वो कैसे हैं? बोले सच्चित आनंद के स्वरूप जो सृजन करता पालन करता संहार करता केतु हैं, तापत्रय विनाशाय जो पाप का फल ताप है उससे जो मुक्त करते हैं, ऐसे भगवान श्याम सुंदर के युगल चरणों में हमारा आप सबका बार बार नमस्कार बार बार प्रणाम है। इसके बाद सुखदेव जी को नमन किया गया है, आइए हम लोग सुखदेव जी को भी याद करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट भगवान ने सुखदेव को नमन किया। ये सुखदेव कौन है? कलवाक नाम के तोता, राधा नाम की मस्ती में मस्त तरंगली,
राधा नाम की मस्ती में मस्त, सबकी मस्ती अपने अपने आती, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई अपने हाल में मस्त है तो कोई अपने चाल में मस्त, कोई अपने ढाल में मस्त है तो कोई अपने बदहाली में ही मस्त है, अपनी अपनी मस्ती है। कलवार की मस्ती क्या है? राधा नाम की, राधा नाम की मस्ती। राधे को आराधिए कृष्ण स्वयं मिल जाए, कृष्ण को चाहते हो तो राधे का चिंतन करो। राधे का चिंतन करने का मतलब है, राधा कहने का फल क्या है? रहिमन राके कहा ते निकषत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं धक्का दे धकार। तो आओ एक मिनट के लिए राधा नाम की मस्ती में चलते हैं, जिसको मस्ती आए तो थोड़ा सा अपने अपने हाथ खोल लेना, और नहीं जो जहां मस्त हो ठीक है। रंगीनी रसीनी रंगीनी रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा रंगीनी रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा रंगीनी रसीनी रंगीनी रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा रंगीनी रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा। रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा रंगीनी रसमयी राधा रसीनी रसमयी रसमयी राधा रसीनी रसमयी राधा। Oh, 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 oh
प्राण राधा हमारो प्राण धन राधा रंगीली रसमयी राधा रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा। कलवा पक्षी तोता, इनके जीवन का आधार हुआ राधे नाम, राधा का नाम, अमर हो गए। हमारे आपके जीवन का आधार भगवान का नाम, राधे का नाम हो जाए तो क्या हम डूबेंगे? राधे के नाम की मस्ती में भीग के देखो तो सही महाराज, एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है। कृष्ण और राधा क्या है, आगे प्रसंग जैसा रहेगा आपको समझाएंगे। ये दो नहीं, एक ही है।
एक ही तत्व दो रूप में लीला करने के लिए है, ये दो रूप में नहीं है, दिखते हैं आपको। क्यों? वो जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता वही है। कलवा कराधे नाम की मस्ती मस्त। एक बार राधा रानी प्रभु के पास गए, प्रभु हमारी इच्छा है कि मेरा बेटा अमर हो जाए। प्रभु ने कहा प्रतीक्षा करो। देखो एक बात ध्यान रखना, हमारा आपका जो शरीर है कितने तत्व से है? पांच, ठीक है ना। तो जो पांच तत्व से बना है तो हमारे अंदर एक और पांच तत्व है शक्ति रूप में। अब जिस तत्व के अंदर वो जो तत्व ज्यादा विद्यमान होगा उसी के मार्ग का राही होगा। शक्ति तत्व के रूप में पांच तत्व विराजमान है आपके अंदर, कौन कौन से देखो आप। इच्छा, शिक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। पांच हो गए कि नहीं हो गए? इच्छा, शिक्षा, समीक्षा और आगे क्या है, प्रतीक्षा और परीक्षा, ये पांच। ये पांचों तट पर जो शक्ति बैठी है मूल में सबके एक ही अक्षर है सा। ये पांचों के मूल में एक जगह स्वयं प्रभा बैठी है, एक जगह सती बैठी है, एक जगह सबरी बैठी है, एक जगह सूर्पणखा बैठी है। चार नाम हो गए ना, स्वयं प्रभा, सती और एक नाम कौन सा बोला, सूर्पणखा, और एक नाम है सीता। ठीक, पांच हो गए कि नहीं? पांचों में सा है। अब वो ये सात तापन ले जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि जय पारस के माध्यम से कथा जो हमारे समित के भाई लोग जोर लगा के करा रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस पर बैठ के रसपान कर रहे हैं। कई लोगों के मैसेज आते पहले से आने लगे, हम तो समय का इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करो। तो जो जहां बैठे हैं सभी के लिए ये आनंद लें, अच्छी बात है। वृक्ष एक लगाता है, फल बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन वृक्ष लगाने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती, रोती भी तो जगह नहीं होती। अब आपके मन में भाव है कि हमको आम का वृक्ष लगाना है, ताकत तो है पर जगह है? अब जितनी जगह मकान बनाए वहां वृक्ष लगा नहीं सकते। उसी प्रकार से हर कोई चाहता है कि मैं कथा रसपान करूं लेकिन नहीं कर पाता। तो जिसको भगवान शक्ति दिया है तो शक्ति का यही सदुपयोग है। आम के आम गुठली के दाम, हम तो रसपान कर रहे हैं लेकिन जो नहीं कर सकते टीवी के माध्यम से करेंगे तो उसका भी तो फल मिलेगा अपने को। उसका भी लाभ तो अपने को मिलेगा। तो ध्यान देना, इच्छा, शिक्षा और समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, ठीक है ना। तो समीक्षा के तट पर जो बैठी है उसको कहते हैं सूर्पणखा। अब जिसके अंदर सूर्पणखा की वृत्ति होगी वो व्यक्ति नर नारी कोई भी हो, वो सामने वाले को अपने समतुल्य ही मानेगा, उससे वो ज्यादा अरे हो गया होंगे किसी के लिए आए, मैं जानता हूं हमारे जैसे। तो जिसके अंदर ऐसी वृत्ति समझ जाना यहां कौन बैठा है, कौन शक्ति है, तो जहां वो शक्ति बैठी है तो वहां उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जहां बैठी होगी प्रतीक्षा की शक्ति, सबरी की, वहां तो भगवान को आना ही पड़ेगा। लेकिन जहां
परीक्षा, सती बैठी होगी तो वहां जलना तो पड़ेगा, रोना तो। यदि हम किसी की परीक्षा लेने का दुस्साहस करेंगे तो परेशान तो हमको होना ही पड़ेगा। और यदि आपके अंदर शिक्षा की वृत्ति है तो स्वयं प्रभा आपके अंदर बैठी होगी, आपको माया के बिल से निकालकर सागर के तट पर पहुंचा देगी। स्वयं प्रभा ने ही बांदरों को भेजा था सागर के तट पर, बिल में जाके भटक गए थे। अब कौन बचा? अब शिक्षा, इच्छा। अब क्या बची? इच्छा। तो इच्छा के तट पर बैठी है सीता। यदि आपके अंदर यह तत्व विद्यमान होगा, शक्ति तत्व, तो भगवान तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। सीता जी के पास राम जी चल करके आए। अब ये हमारा आपका विषय है। अच्छा, मान लो किसी की वृत्ति शूर्पणखा की है, किसी के अंदर समीक्षा तत्व है, अब उससे आप चाहते हो कि मुझसे सीता का कार्य करवाएं, तो कभी करेगी? वो नहीं करेगी। अब उसके लिए हाय हाय करना है तो पागलपन है। किसी के अंदर तत्व मान लो बैठा है सती का, अब उससे आप चाहते हो सीता का कार्य हो जाए, तो संभव है? कभी नहीं होगा। तो साधक लोग इसका परीक्षण करते हैं, वो परीक्षण करते हैं कि किसके अंदर कौन सा तत्व है, और जिसके अंदर जो तत्व जो चाहता है उसी के अनुरूप उसका उस पर प्रयोग करके जा। क्यों? जीवो स्वभाव तो दुष्टा। ज्यादा किसी के लिए आप परेशान मत हो। आपको परेशान होने की आदत है तो अपने आप के लिए हो जाओ, लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। अपने आप के लिए कैसे? बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप बचपन में भगवान के मार्ग में नहीं लगे हो तो 55 की अवस्था में पहुंचने के बाद फिर भगवान के मार्ग में नहीं लगोगे। 55 का अंक जो छू लिए हैं या आगे बढ़ गए हैं वो ऐसा ना सोचेंगे। 55 का एक ऐसा अंक होता है कि जिसके पहले आप भगवान से नहीं जुड़े हो तो 55 के बाद फिर भगवान से जुड़ जाओ तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया शास्त्र में। अब मान लो वृक्ष तो सब है, नीम का भी है, आम का भी, अमरूद का भी है, उसी प्रकार मानव तो सब है, पर जिसका स्वभाव नीम के वृक्ष के जैसा होगा आप उसमें आम का रस कहां से लाओगे? क्यों परेशान उसके लिए? जाने दो, उसके लिए परेशान होना आपका कार्य नहीं। उसके लिए परेशान होना ये अच्छी बात नहीं। हां, यदि वो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, यदि वो चाहता है कि मेरा कल्याण हो और वो यदि चला गया गुरु के शरण में, संत के शरण में, तो भले नीम कड़वी है लेकिन कहीं ना कहीं औषधि के रूप में वो भी अमर हो जाए। और आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, जगन्नाथ जी जाते हैं, जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है नीम के वृक्ष का ही है, पता है ना? जगन्नाथ जी जाते हैं तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप बनता है नीम की लकड़ी का ही बनता है। उसका भी बना भाव था। तो कहने का हमारा भाव, मुझे बोल रहा था, कलवाक जिनके जीवन का आधार बना राधा नाम, अमर हो गए, कहां बैठा दिया इनको? प्रतीक्षा के तट पर। भगवान क्यों बैठा दिए? समझ गए ये इस तट के लायक,
सुखदेव बैठ गए प्रतीक्षा के तट पर। यहां देवर्षि नारद पार्वती के पास पहुंचे। गुरुदेव आए, पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। अब गुरु कृपा इनके ऊपर होगी। गुरु तो पहले भी आए और गए। देखो गुरु आता है जाता है, लेकिन वो जब पात्र उसके लायक बन जाता है, पक जाता है, तब उसमें रख डाल देता है। नारद जी समझ गए पार्वती रूपी पात्र परिपक्व है, अब इसमें कृष्ण रस डाला जा सकता है। शरणागति का सूत्र दिए, पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर समझ गए गुरु कृपा हो गई। तब इनको मिली भागवत की कथा। भागवत की कथा भी भगवत कृपा से मिलती है, इतनी सरल नहीं है। आप सब इतने बड़े भागी हो कि जीवन में लोग एक बार भागवत रसपान नहीं कर पाते, और आप लोगों के ऊपर तो कन्हैया की ऐसी कृपा है कि वर्ष में तो एक बार हो ही जाती। यहाँ उसके अलावा कितनी बार, कभी वृंदावन पहुंच जाते हो, कभी कहीं एक दिन पहुंचो, कितने पहुंचो, पर पहुंचते तो हो ना। वृंदावन की कथा में तन से आप भले 7 दिन नहीं रहते, पर मन से तो रहते हो ना। जितना समय मिला पहुंच गए, नहीं मन से तो हो। ये प्रभु की कृपा का फल है। भगवान शंकर पार्वती को कथामृत का रसपान करवाएं एकांत में। देखो इस कथा का हर कोई अधिकारी नहीं होता, ना अधिकारा कथा सर्वे। जो कथा का अधिकारी ना हो उसको कथा का रसपान करवाना भी अपराध है, पाप है। भगवान शंकर ने कहा देवी सावधानतया श्रणो, कथा में दो का ध्यान रखना पड़ता है, एक आए नहीं और एक जाए नहीं। आए कौन नहीं? निद्रा भगवती। अनेक कथा में निद्रा भगवती जरूर आती, जमाई या आलस आ जाती। तो एक को आने मत दो और एक को जाने मत दो। लेकिन बड़ी समस्या है दोनों में, एक का आगमन भी हो जाता है और एक की विदाई भी हो जाती। जाने किसको मत दो? मन को। अब शरीर से तो हम यहां बैठे, मन कहीं और भाग जाता है। सारा खेल मन का है। हमारे आपके जीवन में बंधन और मोक्ष का जो हेतु है मन है, और मन बैठता नहीं कथा में। अच्छा एक बात ध्यान रखना, तन कब रोता है बोलो? जब मन आपका मलिन होता है तब तन रोता है, और आपका तन कब हंसता है? जब आपका मन प्रसन्न होता है तो तन भी। ठीक है कि नहीं? तो आपके जीवन में जो हंसने रोने का क्रम शुरू हो रहा है, ये कहां से हो रहा है? आपके मन से। अब आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी आपके मन से, और उस मन को आप कथा में बैठाए ही नहीं। अरे आए तो हैं पर बेमन से आए, आ गए। अब बेमन से कथा में आए हो तो क्या होगा? फिर तो वही होगा जो हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा देवी ध्यान रखना। पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, अब भूल नहीं होगी। भगवान शंकर कथा प्रारंभ किए, यहां कलवाग को विगलित अंडे के रूप में स्थापित कर दिए। पार्वती जी को भाव समाधि लग गई। दसवां स्कंद के बाद मुक्ति का प्रकरण है। भगवान के भक्तों को मुक्ति चाहिए ही नहीं, जो आनंद भक्ति में मुक्ति में ही नहीं। भगवान के भक्तों को कभी मुक्ति नहीं चाहिए, यहां तक कि मुक्ति भी भगवान से प्रार्थना की, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, तो ब्रज रज उड़ी मस्तक परे, तो मुक्त मुक्त हुए। मुक्ति को भी मुक्ति चाहिए तो ब्रज रज में चले जाओ। ब्रह्म के चरणों की जो रज है वही तो ब्रज है, और है क्या? ब्रज भूमि तो इंद्राली है महाराज। देखो आप ब्रज में से चार भी अवसर, चार में से एक अवसर आपको मिल जाए ना, तो आप जीवन में कितने आप कैसे भी कर्म किए हो, लेकिन कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखना ब्रज में चार में से कोई भी एक। पहला कौन सा?
ब्रज में आपका जन्म हो जाए, ब्रज में भी आपका जन्म हो गया, शरीर कहीं छूटे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज ये जो कर्म फल का भोग लिखा है, जो भोगना पड़ता है, बोले उसकी आवश्यकता नहीं है। और भूतेश्वर भगवान क्या करते हैं, फिर जीव को पकड़कर ब्रज चौरासी को उसकी परिक्रमा लगाकर उसकी यातना को नष्ट कर देते हैं। या ब्रज में आपका शरीर छूट जाए तो भी भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, अथवा ब्रज में बैठकर अपने गुरुदेव से दीक्षा ले लो, दीक्षा संस्कार आपका ब्रज में हो जाए, या उपनयन संस्कार। दीक्षा तीन प्रकार की मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और मानसिक दीक्षा। अथवा चौथा, आपका शरीर कहीं छूटे, जन्म कहीं हो, लेकिन आपकी मिट्टी ब्रज में चली जाए, ब्रज में इसका संस्कार हो जाए, आप सीधे कन्हैया के धाम को जाओगे। यह पद्म पुराण की घोषणा है, ऐसा है ये ब्रज, ऐसी है उसकी महिमा। तो जो भगवान के भक्त होते मुक्ति नहीं चाहते, ब्रज के रसिक लोग तो महाराज वैकुंठ भी नहीं चाहते, वो क्या कहते हैं सुनो, नहीं ब्रह्म सो चाह, नहीं ब्रह्म सो चाह कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज हुए के मिलो यही प्रीत की रीत निभावनी है, वनवल्लभ गाय चराया करूं सुन ग्वालन की गुहरावनी है, नद नंद की दे हरि घिसके यह कर्म की रेख मिटावनी है। तो भगवान की जो रसिक भक्त है महाराज, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, और कृष्ण की कृपा चाहिए तो बड़ा सरल, चार सूत्र को। अब एक तो खो दिए जन्म वाला, तो आप लोगों का जन्म ब्रज में हुआ कि कहां हुआ है तो आप लोग जानोगे, लेकिन एक कार्य अभी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अपने गुरु की सन्निधि में जाकर ब्रज में बैठकर यह दीक्षा का संस्कार होता है, इसका लाभ आप ले सकते हो, ये आपके बस में, ये तो आप कर सकते हैं। अथवा प्रयास करना कि अंत में वहीं जाकर के बैठे हैं, पर ये तो कोई ठिकाना है नहीं बाबा, कब क्या किसके साथ कैसे होगा किसी कुछ पता नहीं है। लेकिन चार में से दो तो सरल है, दो हो सकते हैं, दो ही एक ही सरल है, एक और तो कठिन है, क्यों परिवार के लोग पता नहीं कहां ले जाएंगे, निगम बोध ले जाएंगे, कौन से बोध ले जाएंगे, कौन ब्रज में ले जाएगा भाई, कौन झंझट पाले वहां ब्रज में ले जाने की समस्या, निगम बोध में नंबर लगाओ फिर छुट्टी करो बस, उसका नाम है ये बोध निगम। किस चीज का बोध होता भगवान, आगम का होता कि निगम का होता कि पुराण का होता। तो पार्वती दसम स्कंद के बाद भाव समाधि में चली गई, कलवाज जी ने सोचा एक स्रोतार ये भी गया समाधि में तो क्या होगा, ओंकार शब्द का उच्चारण करने, कथा विराम दी। पार्वती ने कहा प्रभु दसम स्कंद के बाद तो मैं सो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला, ये आवाज किसकी आ रही थी, देखा तो एक तोता मुस्कुरा रहा है, अरे ये कथा रसपान कर लिया, उठाया त्रिशूल फेंक दिया मारने के लिए, क्या अपराध हुआ है, बोले एक अपराध हुआ, विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे,
ये बगैर दीक्षा लिए कथा का रसपान कर। जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं महाराज गुरु बनाना जरूरी थोड़ी है। अरे मत बनाओ कौन जीवन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ देवियों सज्जनों, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, कोई के हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो कारतूस है, कारतूस का काम क्या है? कारतूस, अच्छा कारतूस पिस्तौल के माध्यम से किसी पर प्रयोग करो तो सामने वाला तो बचेगा नहीं, लेकिन बगैर कारतूस के, ऐसे पिस्तौल के बगैर कारतूस ले जाकर ऐसे उसके ऊपर छुआओ तो कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन पिस्तौल के अंदर लगा दो तो बस वही है। पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र यदि आप स्वयं में लेकर के पढ़ने लगे तो ठीक उसी प्रकार है जैसे बगैर पिस्तौल के कारतूस कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन गुरु के माध्यम से मंत्र का प्रयोग किए तो गुरु वो पिस्तौल है कि जो घायल करके आपका कल्याण कर देगी। यह है गुरु का महत्व। इसलिए जरूरी है गुरु, मंत्र वही है शब्द वही है, पर बगैर पिस्तौल के कारतूस कुछ करने वाली क्या हो सकता है? कि हाँ दिल्ली में कोई सिस्टम हो ऐसा तो मैं नहीं जानता हूं, हमारे भाई लोग दिल्ली वाले जाने। बस यही है गुरु का, इसके लिए गुरु जरूरी है। त्रिशूल के वैसे भागे वेदव्यास की पत्नी गोधूली बेला में जमाई ले रही थी, मुख मार्ग से गर्भस्थ हो गए। अब ये गर्भ से बाहर ही आ रहे हैं, गर्भ के अंदर मंत्र ध्वनि वेद ध्वनि। वेदव्यास जी ने कहा बाहर क्यों नहीं आते? बड़ा आनंद आ रहा, मैं नहीं आऊंगा। मुझे बाहर लाना चाहते हो तो पहले भगवान का दर्शन कराओ, और भगवान का दर्शन हो सकता है केवल कथा से। भगवान का दर्शन करना है तो भगवत दर्शन के लिए केवल कथा ही माध्यम है। कथा से ही भगवान का दर्शन होता है। वेदव्यास जी अपनी पत्नी को बैठाए, भागवत की कथा का रसपान, जैसे कथाक्रम को विराम दिए, सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, सामने भगवान का दर्शन हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भगवान को प्रणाम किए, निवृत्त मार्ग में चल पड़े। वेदव्यास जी ने कहा बेटा ठहर जाओ, आपके संस्कार तो कर दो। वेदव्यास जी पुकार रहे हैं, सुखदेव की दृष्टि में न कोई पिता है न कोई पुत्र है, इस संसार में न कोई किसी का था न कोई किसी का है न कोई किसी का रहेगा। हम जब मृत्युलोक में आए हैं तो हमारे साथ कितने लोग आए थे? 10-20 लोग तो आए होंगे। अच्छा मृत्युलोक से चलेंगे तो कुछ लोग तो चलेंगे, सहेलियां सहेलियां आपस में साथ जाएंगी, मित्र मित्र साथ जाएंगे। अब वहां भी गपशप करने के लिए फिर कोई थोड़े मिलेगा, वहां भी तो साथ जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, वहां केवल कौन साथी होगा? बड़ा सुंदर किसी संत ने संकेत किया, साथी है मित्र गंग के, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा
तो अग्निदान तक, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। सुखदेव जी को बोल है, यहां केवल मेरा कर्म साथी है मेरा प्रभु, बाकी वेद व्यास जी आगे बढ़े। सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रहे हैं, सुखदेव जी को देखकर वस्त्र को तो नहीं संवारी, वेद व्यास जी को देखकर अपने वस्त्रों को संवारने लगी। वेद व्यास जी ने कहा लगता घोर कलयुग लग गया, मेरा बालक निकल गया, उसको देखकर वस्त्रों को नहीं संवारी, मुझ वृद्ध को देखकर अपने वस्त्रों को संवार रही है। देवियां कहती महाराज आप जिसको अपना बालक समझते हो उसकी दृष्टि में कोई भेद है ही नहीं स्त्री पुरुष का, पर्दा वहां होता है जहां भेद होता है, जहां भेद नहीं पर्दा कैसे। हाय महर्षि आपकी दृष्टि में दोष है स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन सुखदेव की दृष्टि में नहीं है। आगे बढ़े, वृक्षों से आवाज आई, वापस लौट करके आए, दो श्लोक दो शिष्यों को तैयार करवाते हैं, उन्हीं श्लोकों का रसपान कर सुखदेव जी निर्गुण निराकार का चिंतन छोड़कर सगुण साकार के उपासक बने। परीक्षित को माध्यम बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए आनंद रस का प्रवाह प्रवाहित किए, ऐसे सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट भगवान सुखदेव के श्री चरणों में हमारा आप सबका बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। इसके बाद सूत और सौनक का संवाद है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्।
नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक इत्यादि ऋषि किसके पास गए? सूत के पास। देखो श्रोताओं, एक बात ध्यान रखना, आप लोग तीर्थ का लाभ लेना चाहते हो ना, तो तीर्थ में जाओ तो भगवान के किसी भक्त अपने गुरु या संत के साथ जाओ, अकेले मत जाना। आपके गुरुदेव साथ में है तो फल क्या मिलेगा। तीर्थ में जाके पहले स्नान मत करो, पहले तीर्थ की महिमा का रसपान करो। तीर्थ की महिमा का श्रवण करोगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तब उसके बाद गुरु कहेगा अब स्नान करो, फिर आप स्नान करोगे। जब स्नान करोगे तब आपका तन शुद्ध होगा, और उसके बाद फिर गुरु कहेगा जाओ किसी कुछ खिला पिला दो, अब आपका धन शुद्ध होगा। पहले मन की शुद्धि, फिर तन की, फिर धन की। लेकिन हम लोग करते क्या है, मन की शुद्धि से मतलब नहीं। तीर्थ में भी गए बोले हमारे मन के अनुकूल ये है, थोड़ा हमारी इनकी आपस में अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, तो अब ट्यूनिंग बैठाते हैं तीर्थ में भी, बोले हमारा इनका ठीक आपस में। तो संसारी से मन की ट्यूनिंग फिट करोगे तो वही तो बजाएगा जो उसके मन में होगा। अब सरगम बजाओगे तो सरगम निकलेगा, अब फिल्मी धुन बजाओगे तो इसमें से फिल्मी धुन निकलेगा। तो आपने मन का तार किसके साथ जोड़ा? अब जब संसारी के साथ जोड़ा तो संसार की बात किया बैठ के, और तीर्थ में भी बैठ के संसार की बात किए, और जाके स्नान किए तो स्नान का कोई फल नहीं मिला। मैं एक बार कुछ भक्तों से पूछा, ये गढ़गंगा के बारे में बहुत सुनाते थे, हमने कहा बताओ इसकी महिमा क्या, बोले ये हम नहीं जानते, गढ़गंगा जानते। जब बात करें बोले गढ़गंगा, अरे बाबा ठीक है गंगा है, स्नान करना अच्छी बात है, पर है क्या ये? पहले तीर्थ की महिमा को सुनो, इससे आपका होगा मन शुद्ध। मन अशुद्ध विहीना नाम निष्कृतश कथम भवेत, जब तक मन की शुद्धि नहीं है तो तन की शुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। तन बड़ा सुंदर है, रंग रोगन है, फिर भी बैठे रो रहे हैं, क्यों? मन में जहर भरा पड़ा। तन भले मटमैला है लेकिन मन स्वच्छ है, मुस्कुरा रहे हैं। तो कभी तीर्थ में जाओ तो पहले तीर्थ की महिमा का रसपान करो, उससे आपके मन की शुद्धि होगी। एक बार ऐसा अवसर आया, कुछ भाई लोग हमारे जोर लगा के पहुंचे, हमने कहा हो गंगा के तट पर बैठकर दीप दान करते हैं, और मजे की बात कि इस गंगा के तट पर पता नहीं मां की कृपा से कितनी बार बुलाई, मां कितनी बार दीप दान हुआ, उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए, पुण्य कर्म की गिनती नहीं करनी चाहिए, गिनती करोगे समाप्त हो जाएगी। लेकिन दीपदान कर रहा था एक कितना सुंदर कछुआ, कच्छप भगवान, उन्होंने कहा अरे वाह आज तो आप भी दर्शन दे रहे हो, और क्या दीप मालिका चल रही थी गंगा की लहर में, क्या लाइन लगी थी, क्या सुंदर मनोरम दृश्य। मां गंगा के समक्ष दीप करने का मतलब है कि भक्ति रस आपका परिपुष्ट होगा। आप करो तो कभी, आके बैठो तो सही, साधकों के साथ बैठोगे तो यही करेंगे, ये तो उठपटांग काम है ये सब दीपक जलाना ये सब करना। अच्छा काम तो ये है कि अपना गए कहीं होटल में खाए पिए, एंजॉय किए, गपशप किए, ढमाका ये घर में बोर हो गए, गए तो कुछ एंजॉय। लेकिन हाँ साधकों के साथ जाओगे तो फिर कहीं दीपक जलाओ तो कहीं माथा टेको तो कहीं प्रणाम करो तो कहीं कुछ, ये समस्या। तीर्थ में जाओ तो पहले तीर्थ की महिमा का रसपान करना। चार तीर्थ चार युग, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता का पुष्कर, द्वापर का कुरुक्षेत्र,
कलयुग का तीर्थ गंगा, गंगा के तट पर चार घाट, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, एक और है ना, एक है कृपा का, कृपा के घाट, कृपा के तट पर। सौनक त्यागऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं। देखो जो अपने से श्रेष्ठ हो, प्रतिभावान हो, यदि उसका हम अनादर करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपका सब चौपट हो जाएगा। कभी भगवान की आरती हो रही हो, मत बैठे रहना, उठ के खड़े हो जाना, कितना जरूरी काम हो, आरती में बैठे रहोगे तो अपराध कर दोगे। आपसे श्रेष्ठ कोई सुयोग्य महापुरुष साधक आ जाए, आप उठ के खड़े हो, उनका स्वागत करो, कथा में नहीं, कथा में तो मस्ती में बैठे हो, ऐसे कोई यदि आप नहीं खड़े हुए बैठे रह गए, आपने उसका अपमान किया, उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। साधक नहीं कहता मेरा सम्मान करो, ये आपका धर्म है, आपको करना चाहिए, और नहीं करोगे उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा, फिर आप कहोगे हम तो परेशान हो गए। सौनक त्यागऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य क्षमा प्रभ, श्रोताख्या कथा शारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुदेव, आपके अंदर जो प्रकाश है उसकी तुलना एक सूर्य क्या, एक साथ एक करोड़ सूर्य उदित हो तब भी उससे बराबरी नहीं की जा सकती। हे गुरुदेव, ये कलिकाल समस्त साधनों को जलाकर दग्ध कर दिया, चिंतामणि लोक सुखम सरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देवता प्रसन्न होंगे, देवलोक की प्राप्ति होगी, पुण्य कर्म क्षीण होगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रसन्न हो गए तो योगियों के लिए जो अगम्य पद वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए अगम्य पद वैकुंठ है, बिना प्रयास के मिल सकता है आपको। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस कक्ष में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहां की कीड़ी वृंदावन जा सकती है क्या, बोलो। जहां आप लोग रहते हो वहां की कीड़ी वृंदावन जा सकती है, नहीं जाएगी, आराम से चली जाएगी बिना प्रयास के। कैसे आपको बताता हूं, मान लो वृंदावन जाना है और एक दिन दो दिन रुकना है, और आप रखने लगे अपने कपड़े, और कपड़े के माध्यम से यदि वो कीड़ी सूटकेस में आपके चली गई, तो अब बताओ बिना टिकट बिना प्रयास के वृंदावन पहुंच जाएगी कि नहीं, पहुंच जाएगी। उसकी सुरक्षा भी आप करोगे, उसकी नहीं अपने कपड़े की करोगे, उसकी अपने आप हो जाएगी, पहुंच सकती कि नहीं। तो यदि कीड़ी बगैर प्रयास के एक वस्त्र का साथ कर वृंदावन पहुंच सकती है, तो यदि कोई शिष्य अपने गुरु का साथ कर ले तो क्या भगवान के धाम नहीं जा सकता क्या, अवश्य जा सकता है। इसीलिए जीवन में साथ हो तो गुरु का, पाथ हो तो गुरु का, और हाथ हो तो गुरु का। अगम्य पद आपके लिए सुगम हो जाएगा। प्रयक्षित गुरु प्रीतो, सूत जी इनके भाव को देखकर द्रवित हो गए। देखो जब सामने वाला भाव भोला भाला हो, रसिक हो, भावुक हो, तो साधक को रस तो निकालना ही पड़ता है, वो निकालता है रस ही उस रसिक के लिए। अब सूत जी हमारे क्या रसपान करवाते हैं, आइए उससे पहले एक आध भजन की मस्ती ले लो, थोड़ा सा थोड़ी सी, लेकिन हम भजन संकीर्तन से चलेंगे, राधा जीवन नीलमणि से शुरू करेंगे भजन की शुरुआत में ऐसे करेंगे, और आइए थोड़ा संकीर्तन की मस्ती ले लें।
फिर आगे सूत जी हमारे क्या सूत्र देते हैं उसका आनंद लेंगे, उसके मस्ती में चलेंगे। प्रिराध जीवन। अच्छा सच बात ये भी है, ये मस्ती भी प्रशांत विहार की गली में लेता हूं। कई बार लोग तर्क देते हैं, बोले महाराज वहां तो सुना तो यहां क्यों नहीं। अरे भाई क्या करें, सेव का फल हर जगह पैदा नहीं होता, उसके लिए भूमि भी जरूरी होती है, और हर जगह नीम का वृक्ष भी पैदा नहीं होता, उसके लिए भूमि जरूरी। तो जब जैसी भूमि होगी तो वैसी ना फसल आएगी। अब यहाँ की भूमि ऐसी है कि यहाँ प्रकट करना पड़ता है, होता है प्रकट, हम ही नहीं करते अपने आप प्रकट होता है। तो आइए उसकी मस्ती में थोड़ा मस्त हो, देखते हैं यहाँ कौन कौन मस्ती में झूम रहे हैं, कौन हाय हाय कर रहे हैं, कौन। श्रीराधा जीवन, श्रीराधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया पाले। राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया पाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले रे मेरे श्याम मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले। ओ गोपाल मुरलिया वाले रे मेरे श्याम मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले। राधा 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 जीवन राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले। मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नग लाल मुरलिया वाले। राधा 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 जीवन राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया वाले। हो मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नग लाल मुरलिया वाले। मेरे
पहचाने मुकुट दिखे सभी जग सावर पर सावर की गति सावर जाने 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 कन्हैया मुझे गले लगा ले लाला मुझे गले लगा ले नंदलाला मुझे गले लगा ले नंदलाला मुझे गले लगा ले नंदलाला मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नंद लाल मुरलिया वाले Yeah.